हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहीम है। बात कुछ है कि हम जरा इधर नैनीताल की तरफ आए थे तो सोचा व्लॉग ही बना लेते हैं। अभी हम भीमताल में ठहरे हुए हैं और यहाँ से जाना है हमें नैनीताल, तकरीबन 17 किलोमीटर और 1 घंटा लग जाएगा। नैनीताल में गर्मी है, हमें बोटिंग, तो जल्दी से निकलते हैं, नैनीताल पहुँचते हैं और आपको जरा दिखाते हैं नज़ारे। भाई 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 ओ ओए हाजी भाई, सब नैनीताल पहुंच गए और नैनीताल में बोटिंग नहीं की तो कुछ नहीं की, और मेरी बोटिंग में बहुत फटती है क्योंकि ये वाली बोट बहुत ज़्यादा हिलती है। गहराई भी बहुत ज़्यादा है। और भैया गहराई कितनी है इसकी? कितनी? 120 फिट। और लेक में जो बात है कि मगरमच्छ होते हैं, ये होते हैं, कुछ है होता है ऐसा? खाली फिश है ना, पहले हम आए थे तो वो बोले थे कि मगरमच्छ भी हैं इसमें, ये है वो पानी में हिले डुले ना आदमी, इस वजह से। हाँ हाँ, वो ज्यादा कूदा कादी ना करे, वो आप लोगों को नहीं कर रखा होगा वैसे। बहुत से ऐसा आ जाते हैं ना, कभी उछल के उधर कभी इधर, हां ज्यादा उनका ज्यादा खतरा रहता है, वो ना डूब जाएंगे। नैनीताल की जो एक USP है बोटिंग, वो तो हो गई है। और अब भूख लग रही है भाई बहुत तेज़, पहले खाते हैं खाना, बाकी मॉल रोड वगैरह घूमेंगे बाद में। हम आए हैं चांदनी चौक रेस्टोरेंट, दिल्ली में चांदनी चौक से नैनीताल में भी चांदनी चौक में खाना खाएंगे। पुरानी दिल्ली के खाना पसंद ही नहीं आता। और हमारे स्नैक्स में आया है मंचूरियन, फ्राइड राइस और प्लेट, ये तीनों चीज़ आई हैं। चम्मच क्यों छोड़ दिए? तो बस अभी स्नैक्स किए हैं, डिनर करेंगे थोड़ी देर बाद, और जब तक डिनर का टाइम होता है तब तक मॉल रोड घूम लेते हैं, क्योंकि तो यार किसी हिल स्टेशन पर अगर मॉल रोड नहीं दिखाया तो फिर आप क्या फायदा है। अपनी ज़िंदगी में 50 रुपये का भी भुट्टा नहीं खाया, बट एक कहते हैं ना कि प्यार में बंदा लिमिट पुश करता है, तो घूमना हमारा प्यार है, घूमने के चक्कर में हमने खरीद लिया 50 रुपये का भुट्टा। देखो हम आए हिल स्टेशन पे और आपको सबको पता है कि हिल स्टेशन पे होती है ठंड, और ठंड में अगर आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या फ़ायदा है आइसक्रीम का? आइसक्रीम का मज़ा सिर्फ ठंड में, वैसे मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, नहीं पे खा रहा हूँ। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, बच्चे के लिए ले जा रहा है, कितनी खुशी से ले रहे हैं। अगर देखो आपको मॉल रोड पूरा घूम के कुछ पसंद नहीं आता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है कपड़ों के मामले में, तो आप यहाँ तिब्बतन मार्केट आ सकते हैं, तिब्बतन मार्केट में आपको पसंद आ जाएंगी सस्ती और बढ़िया और टिकाऊ चीज़ें। जी भैया अब टाइम हो गया डिनर का, एक्चुअली टाइम तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा लाइट से खा के निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है और नींद आ रही है।